शोएब अख्तर क्या भूल गए 2003 में वर्ल्ड कप सेंचुरियन पे जो मार मार लिए तेंदुलकर ने और सहवाग ने उनको, मतलब बॉलिंग उन्होंने छोड़ दी थी करना। मतलब मैं इस वक्त पागल हुआ हुआ हूँ आपको यकीन, मैं तो वैसे मैंने सही किया था, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को दिल से फॉलो करना छोड़ दिया था 3-4 साल पहले, मैंने कहा इनका कोई हाल नहीं है। मैं पहले भी कह चुका था कि पाकिस्तान इस हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएगी और अगले हफ्ते इंडिया वापस आ जाएगी, वो भी सेमीफाइनल खेल के वापस आ जाएगी, वो भी कोई इतने 30 मार खान नहीं है। आप देखें कि जब मैच खत्म हुआ और शोएब अख्तर ने आके इंडिया पे बरसना शुरू कर दिया, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि ये आदमी बिना इंडिया का नाम लिए हुए इसकी दुकान नहीं चलेगी। अख्तर साहब को क्या मसला है भाई, आने लगा हूं मुझे ये इतनी लंबी इसलिए बांधी है कि हम तो ऑर्डिनरी है, तू तो पाकिस्तान का स्पीड स्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस। वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को जवाब देते हुए कहा है कि मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें शोएब अख्तर कह रहे हैं इंडिया अगले हफ्ते अपने घर लौट जाएगी, वो कौन सी 30 मार खा है। तो मिस्टर शोएब अख्तर, आप जिस थाली में खा रहे हो वो थाली पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंडिया की है, क्योंकि आप इंडिया का खाते हो और इंडिया को ही गाली देते हो। और इस T20 वर्ल्ड कप की इंडिया एक प्रबल दावेदार है, ये आप अपने नोट्स में इसे लिख कर रख लीजिए, शायद ही आपके आगे जाकर काम आएगी। और इंडिया सही में 30 मार खा है। कर दिया जिम्बाब्वे ने, काला उनका भी किया जो इनको चने के झाड़ पे चढ़ा के रखते थे। ट्वीट करो विराट और बाबर का कंपैरिजन बताओ। के जी अब आपको घर चले जाना चाहिए, आखिर द्रविड़ ने भी सवाले से कहा है, सिलेक्शन पर सवाल होता है आपके जावेद शोरूम पर बना की मैं बिल्कुल जीरो इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसकी वजह यह है की यार बात यह की यार इनके जमाने में इससे बुरा हुआ, साफ सीधी बात मैं करता हूँ की मतलब मैं इरिटेट होता हूँ इनकी बातें सुन के पढ़कर। बात यह कि इनके जमाने में इससे बुरा हुआ, शोएब अख्तर क्या भूल गए 2003 में वर्ल्ड कप सेंचुरियन पे जो मार मार लिए तेंदुलकर ने और सहवाग ने उनको, मतलब बॉलिंग उन्होंने छोड़ दी थी करना, छोड़ दी यार ये बातें। आकिब जावेद मतलब अभी मैं क्या बोलूंगा, बात यह कि हमारे कुछ साबिक प्लेयर्स भी जो है ना अपना वक्त भूल जाते हैं। क्या हमारे जो साबिक प्लेयर्स थे क्या ये हर मैच जीतते थे पाकिस्तान के लिए? क्या इन्होंने बड़े वर्ल्ड कप जीते हैं पाकिस्तान के लिए? क्या इन्होंने बड़े 30 लाए पाकिस्तान के लिए? क्या इनसे गलतियां नहीं होती थी? क्या इन्होंने मैचेस नहीं हारे? क्या इनके अपसेट मतलब डिफीट नहीं हुई? सब कुछ हुआ इनके साथ। लेकिन मैं यही, मेरा यही पॉइंट है अखबार कि आप क्रिटिसाइज करो अपनी टीम को, बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, लेकिन यार खुदा के लिए क्रिटिसाइज में और बेइज्जती करने में फर्क होता है। ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट की बेइज्जती कर रहे हैं। इंडिया जो है लास्ट एशिया कप का सेमीफाइनल नहीं खेल पाई, इंडिया लास्ट T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल पाई, तो क्या उनके फॉर्मर प्लेयर्स ने यह कहा कि इंडिया की टीम अगले जहाज पे आ जाए, या इंडिया की टीम शेडफुल है, या इंग्लैंड या इंडिया की टीम ये है? ऐसा मतलब मैं इस वक्त पागल हुआ हुआ हूँ आपको यकीन, मैं तो वैसे मैंने सही किया था, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को दिल से फॉलो करना छोड़ दिया था 3-4 साल पहले, मैंने कहा इनका कोई हाल नहीं है, फिर एक साल से फिर दिल में घुसे, अंदर घुसे, मोहब्बत हुई है। और कल की जो हालत देखकर मैं सुबह आज डिप्रेशन में उठा हूं, यानी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं कुछ और करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा। ठीक है इंडिया के बाद मैं उस दिन फिफा से भी लड़ गया, मैंने कहा नहीं हमारे बच्चे हमारी टीम है, ये हमारी टीम है, ये क्या हो हमारे बच्चे नहीं, पता नहीं किसके बच्चे हैं, किसी के तो बच्चे हैं, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, झंडा इनके इनके वो बोलते हैं शर्ट में झंडा है। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं आपको बता नहीं सकता, हालांकि मैं हमेशा कहता हूं नहीं यार लॉजिकल ऑब्जेक्टिव, क्रिकेट को समझो, पैशन को दूर रखो, ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव यार, ये हमारी टीम है, नेशनल टीम है, हो क्या गया इन लोगों को। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू वो दूर से देख लेते हैं। देखिए एंड ऑफ द डे टीम हमारी है, हमने सपोर्ट करना था, बट द वे दे हैव लॉस्ट, हमारी नहीं है टीम, वो है नहीं अली टीम हमारी, वो हमारा ये सर टीम, एक सेकंड नहीं टीम कहां से हमारी है अली भाई, देखिए जो आपके झंडे के नीचे खेलेगा आपको सपोर्ट करेगा, हर कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा। आप देखें कि जब मैच खत्म हुआ और शोएब अख्तर ने आके इंडिया पे बरसना शुरू कर दिया, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, मेरी इस वीडियो से पहले एक वीडियो है उसमें भी मैंने ये बात कही है कि ये आदमी बिना इंडिया का नाम लिए हुए इसकी दुकान नहीं चलेगी। अब क्या ही करें, गलती तो इसकी भी नहीं है, गलती तो खुद इंडिया के लोगों की भी है। अब जाके इसके चैनल पे देखें, आपको एक भी पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, सारे के सारे इंडियन है जो इसकी वीडियो देखते हैं और उसको कमेंट्स करते हैं, सब इंडियन है। तो दुकान और पैसा तो ये इंडियन से कमा रहा है, ऊपर से इंडिया के न्यूज चैनल पे जाके वहां से पहले पैसे चेक लेता है और फिर उधर जाके चैनल पे बैठ के पहले वहां पे तो तारीफें करता है, क्योंकि वहां से तो भाई आमना सामना है और पैसे तो चेक में होते हैं वहां पे, अगर वहां पे कुछ गड़बड़ कर देगा तो चेक बाउंस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसने कहा है कि नेक्स्ट वीक को इंडिया भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। तो भाई इस बंदे की जलती है, आप लोग क्यों नहीं समझते हो, इस बंदे की जलती है और इसकी इतनी ज्यादा जलती है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। वो जो हम लोग
डायलॉग बोलते हैं कि सूजी है वो इसकी सूजी है सबसे ज्यादा इस बंदे की सूजी है। अभी आप बताओ, अपनी टीम हार गई, गंदी तरीके से हारी है, इतनी बुरी तरीके से हारी है इनकी अपनी टीम, अपने टीम पर ये कुछ नहीं बोलेगा। और कल रात को ना इसकी शक्ल देखने वाली थी भाई, बंदा रो रहा था, बस इतना बाकी था कि कैमरे के आगे इसके आंसू निकल जाए भाई। अच्छा, हराया इसको जिम्बाब्वे ने है और दिल अभी भी इसका भरा हुआ है इंडिया के खिलाफ। तो बेटा हमें पता है तुम्हारी हालत कितनी पतली हो चुकी है, तू बूट पॉलिश सूंघ सूंघ के सस्ता नशा कर करके तेरी हालत क्या है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, मैं कभी आप लोगों से कुछ मांगा नहीं हूँ, आपका एक मामूली सा कमेंट ना वो उनके प्राइम मिनिस्टर भी पड़ेगा हमारे कमेंट से, ये लाइक बोलना ना। बाकी वो वीडियो सुनी है क्योंकि जब हम लाइव थे तो शोएब अख्तर साहब की हमने बात नहीं सुनी थी, क्या बोला जी? जी सुनी, तो अभी हमने वो सुनी है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी उधर भी कोई पता नहीं तुर्रम खान नहीं है या रुस्तम खान नहीं है इंडिया वाले, तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू प्लेड फ्रॉम पाकिस्तान और यू कैन गिव सजेशन, इनको दो के जो ऊपर नीचे दो मैच हार गए हैं, वो दो मैच जीते हुए हैं, वो आगे सेमीफाइनल में जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उन पे है। अख्तर साहब को क्या मसला है भाई? आने लगा हूं मुझे ये इतनी लंबी इसलिए बांधी है कि हम तो ऑर्डिनरी है, तू तो पाकिस्तान का स्पीड स्टार, रावलपिंडी एक्सप्रेस 600 किलोमीटर फी घंटा रेस निकालता है, धुआं कानों से छोड़ता है, और भी कहां से धुआं छोड़ता है यार। इतना प्यार, ये जो 12 13 20 मिलियन या 2 मिलियन तेरे सब्सक्राइबर है, जरा चेक कर कहां गए हैं। आखिरी बात तो भाईजान आपको कि जी इंडिया भी कोई तुर्रम खान नहीं है, कोई तीस मार खान नहीं है, आपकी 30 मार 4 दिन का आपका टूर्नामेंट था, 2 दिन रोटी खाई है, 2 दिन किक खाई है, फर्क तो आप कैसे कह सकते हो तो सेमीफाइनल में है। और यूएई नहीं है ये है ऑस्ट्रेलिया, एक मैच तो जीत के दिखाओ। अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।